हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ आपकी जयपुर की ट्रिप प्लान करने में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी प्लेसेस है जो आपको डेफिनेटली जयपुर में विजिट करना चाहिए और कौन कौन सी प्लेसेस है जिसको आप अपने लिस्ट से बाहर भी रख सकते हो अगर आप 2-3 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो, ताकि आपका जयपुर का ट्रिप आराम से सुकून के साथ गुजरे। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट प्लेस आपको विजिट करना चाहिए वो है आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट राजा मान सिंह ने बनाया था 1952 में। अरावली हिल्स में बनाया गया ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट पैलेसेस में से एक है। आमेर फोर्ट 11 किलोमीटर दूर है जयपुर सिटी से, सो आप यहाँ अपने कार, रेंटेड बाइक और ऑटो से आ सकते हो। आमेर फोर्ट की एंट्री टिकट है 100 रुपीज पर पर्सन। और आमेर फोर्ट का जो टाइमिंग है वो सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक का है, और आप यहाँ पर नाइट में लाइट शो भी देख सकते हो। आई वुड रेकमेंड कि आप सुबह यहाँ जल्दी पहुँच जाए ताकि आराम से आप पूरा पैलेस बिना किसी रश के एक्सप्लोर कर पाए। पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करने में आपको 2-3 घंटे का टाइम लग सकता है। इस फोर्ट की हिस्ट्री बहुत ही रिच है, सो आई वुड रेकमेंड कि आप यहाँ गाइड हायर करें ताकि आपको इस फोर्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाए। आप लोगों को अगर आमेर फोर्ट के पूरा हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन भी लिख के बता सकते हैं, हम वैसे भी एक वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। इसके बाद हम सीधा आ गए हैं पन्ना मीना के कुंड में। ये आमेर फोर्ट के बहुत ही पास पड़ता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जब आमेर फोर्ट विजिट करने के लिए जाओ तो आप इसको भी विजिट कर लो। ये 16th सेंचुरी में बनाया गया था। पन्ना मीना का कुंड या फिर स्टेपवेल विजिट करने का कोई एंट्री फीस नहीं है। तो अगर आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है तो बाहर लोकल गाइड आपको मिल जाएगा जो कि आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे देगा। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही नैरो है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर रेंटेड बाइक या ऑटो से आए। तो नेक्स्ट प्लेस जो हमारे लिस्ट में है वो है जैगर फोर्ट। जैगर फोर्ट आमेर फोर्ट के रास्ते में ही पड़ता है एंड आप एक ही दिन में दोनों फोर्ट आराम से कवर कर सकते हैं। जैगर फोर्ट महाराजा जय सिंह दो ने बनाया था 18th सेंचुरी में। ये भी अरावली हिल्स में बसा हुआ है और इसकी हाइट है 5000 फीट अबव सी लेवल। इसकी एंट्री टिकट है 100 रुपीज पर पर्सन। इस फोर्ट का इस्तेमाल उस टाइम डिफेंस के लिए किया जाता था एंड इस फोर्ट में अंडरग्राउंड टनल्स भी है जो कि जैगर फोर्ट को आमेर फोर्ट के साथ कनेक्ट करता है। जैगर फोर्ट में तोप बनाने की फैक्ट्री है और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कैनन है जिसका नाम है जयवाना कैनन। मेन काम इस फोर्ट का आर्मर एंड एम्यूनेशन स्टोर करना था एंड वॉर के टाइम यहाँ से ही सारी चीजें सप्लाई होता था। जैगर फोर्ट की लंबाई 3 किलोमीटर है और इसका विड्थ है 1 किलोमीटर। यहाँ से आप आमेर फोर्ट को देख सकते हो। नाहरगढ़ फोर्ट भी सवाई जय सिंह ने बनाया था 1734 में। ये फोर्ट भी जैगर फोर्ट की तरह डिफेंस के लिए यूज किया जाता था और यहाँ से जैगर फोर्ट भी कनेक्ट होता है। इसकी एंट्री टिकट है 50 रुपीज पर पर्सन एंड इसका टाइमिंग है सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। वैसे तो ये फोर्ट रात के 9 बजे तक ओपन रहता है एंड रात को यहाँ से जयपुर सिटी का व्यू बहुत ही अमेजिंग लगता है। ज्यादातर लोग यहाँ पर नाइट व्यू के लिए आते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर शीश महल, जयपुर वैक्स म्यूजियम, स्कल्पचर पार्क एंड माधवेंद्र भवन देख सकते हो।
जल महल 1734 में महाराजा जयसिंह ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था। यहाँ पर सिर्फ महाराजा के खास लोग ही आ सकते थे। ये महल पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे जल महल कहा जाता है। यहाँ आसपास 200 से ऊपर बर्ड्स की स्पीशीज देखने को मिलती है एंड बहुत वैरायटी टाइप के फिशेस भी है। अभी ये महल विजिट करने के लिए रखा गया है, इसका और कोई पर्पस नहीं है। बोट से आप जल महल तक आ जा सकते हो। ये था हमारा जयपुर का ट्रिप। सारे प्लेसेस में डिटेल्ड वीडियोस आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना, सो जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा देना और अपने जानने वाले के साथ शेयर कर देना जो जयपुर ट्रिप के बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।